गीता दीदी, तुंदे ने मेलेज मिली है मिगी बड़ा खरा लगा। मैं डिजिटल डिवाइसेस दे बारे च असल च बड़ा की सीखिया है। धन्यवाद रोहन, मेरे लिए ये बड़ी खुशी दी गल है। मैं जानना जे इंटरनेट आजकल बड़ा उपयोगी है। मेरी इच्छा है कि तुस मिगी इंटरनेट दे बारे च और सिखाने दे लिए की समा कड्डो। हाँ मैं दिखनी हाँ, कल मैं तेरे घर जरूर आगी ते इंटरनेट दे बारे च सिखागी। आ ये ते तुंदी मानता है। निश्चित रूप च मैं अपने घर उपर तुंदा इंतजार करगा। ठीक है, ता कल मिलने हाँ। हाँ दीदी, तुस अंदर आओ, मैं बड़ा खुश हाँ कि तुस मेरे घर आई हाँ। दीदी तुसे आख्या हा जे आजकल सब थार कंप्यूटर दा उपयोग कीता जंदा है ते ए साडे जीवन की और सौखा बनाई दिंदा है। भला तुस मिगी इंटरनेट दे बारे च और मती दसी सकदियां? बिल्कुल रोहन, मैं तुंदी मदद लेई इथे आई दी हां। पहले मिगी ए समझान दियो जे इंटरनेट की है। इंटरनेट विश्वव्यापी नेटवर्क है जेड़ा विश्व भर दे करोड़े कंप्यूटरें की जोड़दा है। इंटरनेट विश्व भर दे लोकें की संचार करने ते सूचनाएं ते आंकड़े दा आदान प्रदान करने दी अनुमति दिंदा है। इंटरनेट दे राहें तुस कोई सूचना या संदेश सेकेंडे च दुनिया भर च कुतै भी भेजी सकदे हो। मिगी इंटरनेट दे किश अनुप्रयोगे दे बारे च दस्सन दियो। इंटरनेट दे बक्ख-बक्ख क्षेत्रें च बड़े मते उपयोग न, उंदे चा किश न। संचार दे मामले च इंटरनेट दा प्रयोग ईमेल दे राहें संदेश भेजने ते प्राप्त करने च हुंदा है। इंटरनेट बक्ख-बक्ख क्षेत्रें च नौकरी दी उपलब्धता दे बारे च सूचना प्राप्त करने च सहायता प्रदान करदा है। लोग भावी नौकरी दे लई अपना संक्षिप्त जीवन वृतांत ऑनलाइन भेजी सकदे न। दुनिया भर च संग्रहित किताबें ते दुए अध्ययन सामग्री इंटरनेट दे माध्यम कन्नै आसानी कन्नै खोजी जाई सकदी है। नवीनतम विश्वकोश ऑनलाइन उपलब्ध है। इंटरनेट असेंगी स्वास्थ्य ते दवाई दे क्षेत्र च मती सारी जानकारी दिंदा है। लोग बक्ख-बक्ख रोगें दे बारे च जानी सकदे न ते सहायता प्राप्त कर सकदे न। कोई भी इंटरनेट दा प्रयोग पर्यटन स्थलें दे विषय च जानकारी हासिल करने च भी कीता जाई सकदा है। इहदा प्रयोग छुट्टियां दी यात्रा, होटल, ट्रेन ते हवाई जहाजे दे आरक्षण च भी कीता जाई सकदा है। इंटरनेट दा प्रयोग करियै ऑनलाइन खरीददारी भी कीती जाई सकदी है। मात्र खाते दा विवरण उपलब्ध कराइयै तुस लेन देन करी सकदे हो। तुस अपने बिलें दा भुगतान ते बैंक संबंधी लेन देन भी इंटरनेट दे राहें कर सकदे हो। दीदी, अस अपने कंप्यूटर च इंटरनेट कियां हासिल करचै? इंटरनेट जोड़ने दे लई असेंगी किश यंत्र ते नेटवर्क सेवा प्रदाताएं दी जरूरत हुंदी है। इंटरनेट जोड़ने दे किश तरीके न, डायल अप कनेक्शन, एकीकृत डिजिटल सेवा नेटवर्क, इंटरनेट दा सीधा उपयोग, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन इंटरनेट के जोड़ने दे लई टेलीफोन लाइन दा प्रयोग करदा है, कंप्यूटर मॉडम दा प्रयोग करदा है ते कर दी फोन लाइन गी एदे कन्नै जोड़दा है। इंटरनेट सेवा प्रदाता दे मॉडम दे लई एक कॉल कीती जाग ते लिंक इंटरनेट दा उपयोग करने दे लई सक्षम बनाया जाग। ए इंटरनेट कन्नै जुड़ने दा पहला तरीका है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN डायल अप कनेक्शन दी लिखा गया है, पर ए डिजिटल फोन लाइन दे माध्यम कन्नै संपर्क उपलब्ध करांदा है। ए इंटरनेट ते फोन दे एक गै समय उपयोग करने दी अनुमति दिंदा है। तुसें गी एक बारी माडम दी लोड़ हुंदी है। ISDN सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क उपर व्यापक बैंडविड्थ दी डिजिटल सेवा नेटवर्क प्रसारण की सक्षम बनांदा है, जिहदा अर्थ है कि एक समय पर मता डाटा भेजा जा सकदा है। डायरेक्ट कनेक्शन की डायल करने या इंटरनेट च प्रवेश करने या कुसै और दुए नेटवर्क दी लोड़ नहीं हुंदी है। इस चाली प्रस्तावित सेवाएं स्थाई बैंडविड्थ दी उपलब्धता पर घट विलंबता की सुनिश्चित करदा है। DSL या ब्रॉडबैंड उच्च गति इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। DSL तकनीक एक गै फोन लाइन पर इंटरनेट ते गलबात दी सेवाएं बिजन कुसै एक गी कट्टे दे एक साथ उपयोग करने दी अनुमति दिंदा है। DSL इंटरनेट सेवाएं दा प्रयोग मुख्यतः करें ते लौके व्यापारिक संस्थानें च हुंदा है। DSL इंटरनेट सेवा छड़ियां एक लौके भौतिक दूरी तोड़ी गै
काम कर दिया न, ते जिन क्षेत्र च स्थानिक टेलीफोन दा बुनियादी ढांचा DSL तकनीकी की सारा नहीं देंदा, उत्थे काम नहीं करदा। इंटरनेट कन्नै जोड़ने दे लई तुंदे कंप्यूटर च तीन आधारभूत तत्व होना जरूरी न, मॉडम इंटरनेट सेवा प्रदाता ते ब्राउजर। मॉडम एक यंत्र है जेड़ा कंप्यूटर दा डाटा प्राप्त करने ते भेजने दी अनुमति प्रदान करदा है। ए यंत्र कंप्यूटर दे कन्नै जोड़िया जांदा है। इंटरनेट सेवा प्रदाता या ISP एक कंपनी है जेड़ी इंटरनेट सेवा उपलब्ध करांदी है। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जेड़ा की सूचनाएं गी तुपदा है, पेश करदा है ते संचालित करदा है। किश लोकप्रिय ब्राउजर न मोज़िला फायर फॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी। तुस इंटरनेट कन्ने जुड़ने दे लई तार या बेतार तकनीक दा इस्तेमाल कर सकदे हो। कंप्यूटर जेड़े बेतार तकनीक दा समर्थन कर देन, उन्दे च वाईफाई कार्ड हुंदा है। वाईफाई कार्ड कंप्यूटर ते नेटवर्क दे बिच बेतार संचार की सक्षम बनांदा है। मेरे किश दोस्तें दे कोल मोबाइल उपर इंटरनेट दी सुविधा है। दीदी, कोई मोबाइल फोन उपर इंटरनेट दी सुविधा कियां प्राप्त कर सकदा है? मोबाइल उपर इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने दे लई तुसें गी एट लिखी दी चीजें दी लोड़ हुंदी है। एक मोबाइल जेड़ा इंटरनेट दा समर्थन करदा है। एक मोबाइल फोन सेवा जेड़ा डेटा संचरण दा समर्थन करदी है। फोन उपर इंटरनेट सेवा प्राप्त करने दे लई डेटा सेटिंग दे कन्नै मोबाइल सेवा प्रदाता कन्नै खाता। 2G, 3G ते 4G च जी जनरेशन अर्थात पीढ़ी की दर्शांदा है। मती सूचना भेजने ते प्राप्त करने दी उच्च क्षमता दर्शांदी है ते तार रहित नेटवर्क दे माध्यम कन्नै उच्च दक्षता प्राप्त करने दी क्षमता। 2G नेटवर्क संकीर्ण बैंड नेटवर्क उपर आधारित हुंदे न। सिग्नल डिजिटल प्रारूप च संचरित कीते जांदे न, जेड़े नाटकीय रूप च कॉल दी गुणवत्ता च सुधार ते संचार दी जटिलताएं च कमी लियांदे न। 3G त्री पीढ़ी दा मोबाइल नेटवर्क लोकप्रिय होई गेदा है। इन्हें उपयोगकर्ताएं गी मोबाइल फोन ते टैबलेट उपर इंटरनेट प्रयोग करने दे योग्य बनाए दित्ते दा है। 3G नेटवर्क उपर डेटा संचरण दी गति 384 kbps समा 2 mbps हुंदी है। 3G नेटवर्क उपर मता डेटा संचरण दी अनुमति दिंदा है ते वॉइस ते वीडियो कॉल, फाइल संचरण, इंटरनेट सफरिंग, ऑनलाइन टीवी, उच्च परिभाषा वीडियो, खेड खेडने दे लई सक्षम है। 3G उन उपयोगकर्ताएं दे लई अच्छा विकल्प है जेड़े हमेशा इंटरनेट कन्नै जुड़े दे रहंदे न। 4G चौथी पीढ़ी दा मोबाइल नेटवर्क दे बारे च विश्वास कीता जांदा है जे भविक्ख च और मती सारी मूल्यवर्धित सेवा उपलब्ध करवाग। सब्बै 3G दी संविधाएं दे कन्नै कन्नै एह डेटा संचरण गी 1 GBPS कन्नै 100 MBPS दे मध्य पूर्व करने आला मन्या जांदा है। भला तुस मिगी दस सकदे हो जे मेरे मोबाइल उपर इंटरनेट कियां सेट कीता जाई सकदा है? बिल्कुल रोहन, मैं तुगी दसनिया जे कीपैड मोबाइल उपर एंड्राइड मोबाइल कन्नै इंटरनेट कियां सेट कर दिन। सावधानी कन्नै एठले पदे दा अनुसरण करो। कीपैड आधारित फोने पर इंटरनेट दा प्रयोग। पहले मेनू दा चयन करो, फी इंटरनेट 1। हुन होम पेज खोलने दे लई या ते होम दा चयन करो या होम स्क्रीन उपर 0 गी दबाइयै रुको। अग्गे वेब पता दर्ज करने दे लई गो टू एड्रेस तुप्पो ते पता दर्ज करियै ठीक चुनो। ते फिर वेब खोलने दे लई खोज शब्द की दर्ज करो ते फिर खोज दा चयन करो। सेवा कन्नै जुड़ने दे मगरा तुस ब्राउजिंग शुरू कर सकदे हो। वाईफाई सेटिंग दिखने दे लई सेटिंग उपर जाओ। सेटिंग ते कनेक्टिविटी दा चयन करो, फिर वाईफाई दा चयन करो। जिस कनेक्शन कन्नै तुस जुड़ना चाहंदे हो ओदा चयन करो। जेकर लोड होवै तां पासवर्ड दर्ज करो। एंड्राइड फोने च इंटरनेट सेट करने दे लई सारे शा पहले एंड्राइड स्मार्टफोन ते टैबलेट दी सेटिंग मेन्यू पर जाओ।
एक कुसे एंड्राइड यंत्र पर ए ऐप मेनू दे सेटिंग आइकन दे माध्यम कन्नै ते कदे कदे नोटिफिकेशन बार कन्नै कीता जाई सकदा है। उन सेटिंग मेनू च तुस बेतार ते नेटवर्क सेटिंग तुप्पो। ज्यादातर यंत्रें च मती या और मती सेटिंग जेड़ा बटन उपलब्ध है उसी चुनो। हुन जेकर तुस बेतार ते नेटवर्क सेटिंग उपर पुज जंदे हो तां तुस दो तरीके कन्नै जुड़ी सकदे हो, मोबाइल इंटरनेट वाईफाई। मोबाइल कन्नै इंटरनेट की जोड़ने दे लई या ते तुस नोटिफिकेशन की हेठ खिच्चियै मोबाइल डाटा विकल्प चुनी सकदे हो या तुस वायरलेस ते नेटवर्क सेटिंग विकल्प च मोर सेटिंग विकल्प चुनी सकदे हो। ओदे मगरा मोबाइल नेटवर्क बटन उपर क्लिक करो। जिथे मोबाइल डाटा चेक बॉक्स उपर चेक करगे, जेले ओदे पर तुस क्लिक करगे ता तुसेंगी फोन मोबाइल इंटरनेट खुली जाग। एंड्रॉइड फोन च भी वाईफाई दी सुविधा उपलब्ध है दीदी, उसे किस चाली जोड़गे? बड़ी आसानी कने मैं तुसकी दसनिया तुस किया वाईफाई सेवाएं कने जुड़गे। सारे शा पहले नोटिफिकेशन मेनू च उपलब्ध मोबाइल वाईफाई विकल्प की चुनो। हुन तुसेंगी उपलब्ध इंटरनेट नेटवर्क दी सूची नजर आओ। जेकर तुंदे कोल वाईफाई नेटवर्क दा विकल्प चुनिया हुआ हो, ए अपने आप नेटवर्क कन्नै जुड़ी जाग, नहीं तां तुसेंगी ए वाईफाई नेटवर्क चुनना पौग जिसी तुस जोड़ना चाहंदे हो। जेकर पासवर्ड दी लोड़ होए तां उसी दर्ज करो ते कनेक्ट उपर क्लिक करो। मोबाइल ब्रॉडबैंड तकनीक जिसी वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क भी आखदे न, जेड़ा मोबाइल इंटरनेट कन्नै जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल ब्रॉडबैंड का प्रयोग करने के लिए तुसेंगी एक डाटा कार्ड ते एक डाटा प्लान ते कन्नै मोबाइल ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदाता की लोड़ होंदी है। तुस अपना उपकरण ते डाटा प्लान प्राप्त करने के मगरा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ते सिम के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड सुविधा का चालू होना सुनिश्चित करो। तुंदा मोबाइल प्रचालक अथवा उपकरण विक्रेता देग। तुंदा मोबाइल प्रचालक अथवा उपकरण विक्रेता देग। प्रथम बार ब्रॉडबैंड सुविधा संयोजित करने के लिए हेठले पदे का पालन करो। नोटिफिकेशन एरिया च नेटवर्क आइकन उपर क्लिक करिए नेटवर्क कन्नै जुड़ने का विकल्प खोलो। अपने फोन दे मोबाइल ब्रॉडबैंड पर राइट क्लिक करने मगरा कनेक्ट उपर क्लिक करो। जेकर आख्या गया ता एक्सेस पॉइंट दा नाम या एक्सेस स्ट्रिंग उपयोगकर्ता दा नाम या पासवर्ड टाइप करो। जेकर तुस कुसे ऑटो कनेक्ट सेटिंग ही बदलना चाहते हो तो उसी बदलो, फिर जारी रखो पर क्लिक करो। ब्रॉडबैंड का प्रयोग करिए इंटरनेट संयोजित करने दे लई नोटिफिकेशन एरिया च नेटवर्क आइकन उपर क्लिक करिए नेटवर्क कन्नै जोड़ने का विकल्प खोलो। अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड दे नाम पर क्लिक करो, फिर कनेक्ट उपर क्लिक करो। जेकर लोड होए तो अपने फोन दे मोबाइल ब्रॉडबैंड पिन टाइप करो, फिर एंटर दबाओ। ब्रॉडबैंड का प्रयोग करिए इंटरनेट वियोजित करने के लिए नोटिफिकेशन एरिया च नेटवर्क आइकन उपर क्लिक करिए नेटवर्क कन्नै जुड़ने का विकल्प खोलो। अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड के नाम पर क्लिक करो, फिर डिस्कनेक्ट उपर क्लिक करो। मैं सुनिया जे कोई भी अपने स्मार्टफोन की लैपटॉप कन्नै जोड़ी सकदा है, भला ऐसे ही है दीदी? हाँ बिल्कुल रोहन, तू स्मार्टफोन की लैपटॉप कन्नै जोड़ी सकदे हो। स्मार्टफोन ते लैपटॉप की जोड़ने या टीदरिंग उपर तुंदा स्मार्टफोन असल च वाईफाई हॉटस्पॉट च तब्दील हो जांदा है, जिया के तुंदा लैपटॉप एक्सेस कर सकदा है। एंड्रॉइड फोन टैबलेट की लैपटॉप कन्नै जोड़ने दे लई हेठले पदे दा अनुसरण करो। पहले वायरलेस ते नेटवर्क सेटिंग मेन्यू पर जाओ। किश फोन च वायरलेस हॉटस्पॉट बनाने दे लई एप्स मेन्यू च ऐप होंदे न। हुन जोड़ने आले बहनी हॉटस्पॉट या इस्सै चाली दे कुसै विकल्प उपर क्लिक करो। अग्गे बहनी हॉटस्पॉट या इस्सै चाली दे कुसै विकल्प की चालू करो ते नेटवर्क दा नाम सेट करो ते पासवर्ड सेट करो। हुन खब्बे हत्था पर सारे शा हेठ दित्ते गेदे वायरलेस नेटवर्क दे माध्यम कन्नै अपने लैपटॉप दे नेटवर्क कन्नै जुड़ो। इंटरनेट दे बारे च सिखना दिलचस्प नहीं हा, हुन अस लोक मजेदार गतिविधि च हिस्सा लैगे।
दीदी भला तुस जानदियां हो जे अस इंटरनेट उपर किश तुपदे बेलै हाइपरलिंक दे सामने www की लिखने आं। www दा अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब हुंदा है। वर्ल्ड वाइड वेब, मैं एदे बारे च मता सुनिया, भला तुस एदे बारे च और दस्सी सकदियां हो? जरूर रोहन, मैं दस्सनी आं जे वर्ल्ड वाइड वेब की हुंदी है। www वर्ल्ड वाइड वेब दा प्रतीक है। वेब उपसमुच्चय, ना कि ओदा पर्याय। वेब पन्ने कन्नै मिलियै बनदा है, जिनेगी वेब ब्राउजर दा उपयोग करियै पजाया जाई सकदा है। टेलनेट, एफटीएफ इंटरनेट जुआ, इंटरनेट रिले चैट, आईआरसी ते आईमेल सब इंटरनेट दा अंग न। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक विधि है, जेदा प्रयोग वेब पन्ने गी तुसे गी कंप्यूटर गी स्थानांतरित करने च कीता जांदा है। हाइपर टेक्स्ट दे कन्नै शब्द या वाक्यांश दुई वेबसाइट दे कन्नै संपर्क बनाई रखदे न। वर्ल्ड वाइड वेब दे अंग न वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, वेब पेज, वेबसाइट, वेब एड्रेस। वेब सर्वर एक पद्धति है जेड़ी इंटरनेट उपर अंतिम उपयोगकर्ता थोड़ी विषय वस्तु या सेवाएं की उपलब्ध करांदा है। वेब सर्वर ओ कंप्यूटर न जेड़े वेब पेजें की उपलब्ध करांदे न। प्रत्येक वेब सर्वर दा एक आईपी पता ते डोमेन नाम हुंदा है। मिसाल दे लई, जेकर तुस अपने ब्राउजर च दर्ज कर दियो कि URL http://www.google.com-index.html, ए एक वेब सर्वर जेदा डोमेन नाम google.com की निवेदन भेजी दिंदा है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जेदा प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब उपर तुपने, पुनः प्राप्त करने, विषय वस्तुएं की प्रदर्शित करने च हुंदा है। एदे इलावा एदे च वेब फोटोएं, वीडियो ते दुईया फाइलां आंदियां। जिया के ग्राहक सेवक मॉडल, कंप्यूटर उपर चलने आला वेब ब्राउजर एक ग्राहक है जेड़ा वेब सर्वर कन्नै संपर्क करियै सूचना दे लई निवेदन करदा है। वेब सर्वर सूचनाएं वापस वेब ब्राउजर की भेजी दिंदा है, जेड़ियां परिणामे की कंप्यूटर पर दर्शांदा है ते उन डिवाइस उपर दसदा है जेड़ियां ब्राउजर की सारा दिंदियां। वेब पेज ओ पेज है जिंदे ने वर्ल्ड वाइड वेब बनदी है। ये दस्तावेज HTML भाषा च लिखे जंदे न ते तुंदे ब्राउजर दे राहें अनुवादित कीते जंदे न। वेब पेज या ते स्थैतिक अथवा गतिक होंदे न। स्थैतिक पृष्ठ हर बार खोली जाने पर एक गै विषय वस्तु दर्शांदे न। गतिक पृष्ठ हर बारी खोले जाने पर बख बख विषय वस्तु दर्शांदे न। ए पृष्ठ आदर्श रूप च भाषा जने PHP, पर ASP या JSP च लिखे जंदे न। वेबसाइट पृष्ठें दा संकलन है एक वेब पेज एक पृथक HTML दस्तावेज है। वेबसाइट एक दूए कन्ने संबंधित पृष्ठें दा संकलन है। सामान्यता ए या ते एक गै विषय पर या आपस च मते गै मिलदे जुलदे विषय पर होंदे न। वेबसाइट खोलने पर जेड़ा पहला पन्ना नजर आंदा है उसी होम पेज आखदे न। वेब पता पते दी नई पंक्ति है जेदे च एड्रेस, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम ते फाइल पाथ हुंदा है। सामान्यतः इंटरनेट उपर एदा प्रयोग वेब पृष्ठ, चित्र या दुए दस्तावेज दे पते दा विशेष उल्लेख करने दे लई कीता जांदा है। वेब ब्राउजर उपयोगी अनुप्रयोग है जेड़ा वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाएं की तुपने लई बनाए गए दिन। डाउनलोड, बुकमार्क ते पासवर्ड प्रबंधन वेब ब्राउजर दे सामान्य लक्षण न। एदे च क्रियाएं जिया स्पेलिंग चेक, सर्च इंजन, टूल बार, टैब ब्राउजिंग, एडवर्टाइजमेंट फिल्टरिंग ते HTML एक्सेस बटन, पॉपअप ते ब्लॉकिंग हुंदी है। हुन अस बख चाली दे वेब ब्राउजर दे बारे च सिखने आं। बख चाली दे वेब ब्राउजर न इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 1995 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਸਰਵਾਧਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਤੁਰੰਤ ਖੋਜ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਏ ਤੇ ਗਤੀਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਈ ਖਰਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਫੌਕਸ ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਦੂਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਫੌਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੀਦੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਗੂਗਲ ਰਾਏ ਵਿਕਸਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ ਸੂਕਸ਼ਮ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਪਰਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਕੰਨੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਰਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ 1996 'ਚ ਓਪਰਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਓਪਰਾ ਦੂਏ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਸਮਾਂ ਲੌਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਏ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਕੰਨੇ ਮਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਨਹੀ ਵਿੰਡੋ ਜ਼ੂਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਏ ਦੇ ਕੰਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਵਾ ਤੇ ਜਾਵਾ ਰਹਿਤ ਦੋ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਫਾਰੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਐਪਲ NIC ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕ OS 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਜਨਵਰੀ 2003 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਦੇ ਨਾਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸਭੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕੇ ਜਿਵੇਂ XHTML, CSS2 ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਚੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਨ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇਥਲੇ ਪਦੇ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ। ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਨਜ਼ਰ ਆਓ। ਸਾਮਾਨਿਅਤਾ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨਿਮਨ 'ਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰੇ ਵਿੰਡੋ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼, ਰੀਸਟੋਰ ਬਟਨ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਤੇ ਬੰਦ। ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ 'ਚ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ URL ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਸਟਾਪ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋ ਬਟਨ ਵੈਬ ਪੇਜ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਲੋਡ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੀਫਰੈਸ਼ ਬਟਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕੀ ਪਰਤੀਏ ਲੋਡ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟਾਪ ਬਟਨ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗੀ ਰੋਕਣੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਦੇ ਖੱਬੀ ਤੇ ਬੈਕ 'ਚ ਫਾਰਵਰਡ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਟਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ 'ਚ ਗਏ ਚਲਾਈ ਗਈ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨਿਊ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲ, ਐਡਿਟ, ਵਿਊ, ਫੇਵਰੇਟ, ਟੂਲਸ ਤੇ ਹੈਲਪ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਖੇਤਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੇਟਿੰਗ, ਲੋਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਉੱਪਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਿੰਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਤੁਪਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਚਨਾ ਪਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਪੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ, ਯਾਹੂ ਤੇ MSN। ਗੂਗਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ। SES ਵੈਬ ਸਰਫ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੋਬਟ ਜਾਂ ਸਪਾਈਡਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ WWW ਦੇ ਕੰਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੀ ਤੁਪਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਜਾਂ ਮੈਟਾ SE ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਵਰਡ ਕੀ ਤੁਪਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਤੇ SES ਲੱਗੇ ਹਨ, SE ਗੂਗਲ ਤੇ ਵਿੰਗ ਇਹਦੇ ਉਦਾਹਰਣ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਥਿਕ ਨੇ ਜਾਂਚੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਹੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ SE ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਸੂਚਨਾ ਤੁਪਨੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨ। ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਵੈਬ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੀ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨਤਿਆ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
इन्हें शब्दें या मुहावरें की कीवर्ड्स आखदेन खोज या परिणाम वेब पृष्ठ का हो सकता है चित्रें सूचनाएं या दूई चाली की फाइल का हो सकता है इन सर्च इंजन का व्यापक रूप कन्नै प्रयोग हुंदा है दीदी अस इंटरनेट उपर कुसे चीज की तुपने दे लई सर्च इंजन का प्रयोग किस चाली करने हैं गूगल जेड़ी की सर्वाधिक प्रयोग कीते जाने वाला सर्च इंजन है प्रयोग करदे होई कुसे चीज की तुपने दे लई इठले पदे दा अनुसरण करो पहले वेब ब्राउजर की चालू करो फी एड्रेस बार या लोकेशन बार उपर ए टाइप करो https://www.google.co.in मन्नो जेकर तुस ग्रामीण भारत दे स्कूलें दी सूचना चाहंदे हो तां एट दस्से गेदे कीवर्ड टाइप करो स्कूल्स इन रूरल इंडिया हुन खोज करने दे लई सर्च बटन उपर क्लिक करो या एंटर बटन दबाओ दस्से गेदे लिंके दी सूची दिखो जिंदे कन्नै हर एक वैबसाइट दा संक्षिप्त विवरण भी लब्भोग सुसंगत लिंक उपर क्लिक करो जेकर तुस कुसै और विषय पर सूचना खोजना चाहंदे हो तां सर्च इंजन दे होम पेज उपर जाने दे लई बैक बटन उपर क्लिक करो हुन जो सूचना तुस खोजना चाहंदे हो ओदे कीवर्ड टाइप करो फिर सर्च बटन उपर क्लिक करो बख-बख वेबसाइट दे लिंक लब्भगन सुसंगत लिंक दा चयन करो ते वांछित सूचना पढ़ो जेकर तुसें गी कोई लिंक रोचक लगे ते तुस ओदे पर दोबारा जाना चाहंदे हो तां उस पेज गी तुस बुकमार्क बनाई सकदे हो फी ब्राउजिंग विंडो सवां बाहर जाने दे लई तुस सारे शा उपर सज्जे कोने उपर क्लोज बटन दबाओ हुन रोहन में चाहनी आ जे सर्च इंजन दा प्रयोग करने दा प्रयास आपू करो बिल्कुल ठीक बस ये दसो की तुपना है ठीक है गूगल दा प्रयोग करिए ग्रामीण भारत च कंप्यूटर शिक्षा तुपो पहले वेब ब्राउजर की चालू करो फी एड्रेस बार या लोकेशन बार उपर ए टाइप करो www.google.co.in मन्नो जेकर तुस ग्रामीण भारत दे स्कूलें दी सूचना चाहंदे हो तां एट दस्से गेदे कीवर्ड टाइप करो हुन खोज करने दे लई सर्च बटन उपर क्लिक करो या एंटर बटन दबाओ दस्से गेदे लिंके दी सूची दिखो जिंदे कन्नै हर एक वेबसाइट दा संक्षिप्त विवरण भी लब्भोग हुन तुस इंटरनेट दे बारे च मता किश जानदे हो चलो हुन अस मजेदार गतिविधि च हिस्सा लैने आं